की नाम है जी ताडा? करतारपुर गए नहीं सुनी साडी थाने वालिया ने बाद मैं 112 नंबर एमरजेंसी कॉल की करतारपुर थाने चो मेन कॉल आई है प्रशासन थाने घूमी जाने पुत जो सानू पता लगा थाने करतारपुर गए फिर असि इथे सीएस स्टाफ हम 3 घंटे उथे घूम के आए आ किसी एरिए सारे घूम गए सन किसी ने दसा दिते जी पुलिस का की कहना वा जी ठीक ठाक आया कोई गल बात नहीं कोई नशे वाला नहीं कोई इदा का मुंडा नहीं मेरा है खराबी करने वाला किन्नी की एज किन्नी है मुंडे दी उम्र 22 साल तुसीं कित्थे रहण वाले दर्ज कराई पुलिस नू करतारपुर गए इथे क्यों आए तुसीं अज अच्छा जी ते हुण थाने दे विच पता कीता अंदर जलंधर नहीं पता नहीं लगा असीं आप घूमदे फिरदे आ अच्छा सानू पता ही नहीं लगदा किथे असीं आप ही घूमदे फिरदे जिद्दां उहदे कोई नाल मुंडे रहिंदे होणगे जिन्हां नाल घूमदा फिरदा होवे उहनां नाल गल्लबात कीती किसे नाल नहीं नहीं कोई मुंडा नहीं नाल सीगा कोई नहीं कल्ला ही कहिंदे कल्ला ही सी कोई मुंडा नहीं नाल उहदे मोटरसाइकल कोल आ उहदे कपड़ां पा के नाल ही मोटरसाइकल भी नाल ही लै दादा जी किन्ने बच्चे किन्ने तुहाडे चक्कर भी ला रहे हो धक्के भी खा रहे हो 4 बजे का मुंडा घरों गया था फिर भी पुलिस प्रशासन क्यों नहीं तुहाडी सुनदी नहीं दसदे ही नहीं पुछ के ही दस देण सानू किथे आ करतारपुर रात बराते तुसी निकले हो घरों की मुंडा लभ जावे पर तुहानू किसे पासे हेल्प भी नहीं मिलदी थी किवें देखदे हो पुलिस दा रवैया किदां देखदे हो कि जे करतारपुर भी नहीं सुने सवेर नू दसांगे
ਅੱਛਾ ਜੀ जे मुंडिया ने चकिया डर लगता भी किसी मुंडिया ने इना कोई गलत काम कर देन ओनू शक है मत तुहानू किसी जे दस्सिया तुसी मेनू शक मेनू किसी ते भी नहीं मेनू ओदा डर आ कि मुंडे मुंडिया दी बाद बाहर ना किसी ना थाने पता कर लेंदा आ लेकिन कंटिन्यू मैं जो सू पता लगा तो मैं इस संबंध च मैं भी चलो कोई ज्यादा मिसहैपनिंग ना हुई हो कोई इंसीडेंट ना हो गया हो एस एस पी जलंधर भी गल की उदो ही उन्होंने जी मैं डिटेल भेजी सी सारी मुंडे की एस एच मकसूदा भी गल की लेकिन सर उस तो बाद उस तो लैके हूँ तक मुंडे का कोई सुर पता नहीं है और एस एच मकसूदा गल की उन्होंने ये क्या खाना बोर्चली एक कंप्लेन देजो मेन दे नहीं जिदा कह रहे हो कि तुम की लग की रहा मुंडे होया की है जिदा कह रहे उन्होंने माता वालों कहा जा रहा है कि चार बजे का मुंडा घरों निकलिया घरों ठीक है किसी नाल गया या किसी कह रहे कि पुलिस हिरासत भी हो सकता कोई ऐदा का कोई मामला सी किसी ना कोई रंजिश सी सर ना मुंडे कोई कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड कुछ नहीं है बैकग्राउंड होटल मैनेजमेंट का उन्हें चार साल का जो डिप्लोमा होंगे उन्हें सैंड सोल्जर तो किया और प्लस वो काम कर रहा है हूँ भी एक दो दिन लिए आया से उन्हें चल जाना अपने काम से लगा है तो कहें भी घरों आया से भी बाजार में चला स उत्थे के जिहड़ा लिदरा फ्लाईओवर तो अगे उत्थे दसदे आ भी उहदे विच किसे ने कार मारी और सर मैं तां इह जाण के हैरान आ इह सोच के हैरान आ चलो बंदा जी किसे नूं किडनैप करना किडनैप दा गल्ल तां मोटरसाइकिल भी नाल ही लैगा मोटरसाइकिल भी नहीं हैगा उत्थे मतलब तुहानूं की लगदा कि मुंडा किडनैप होया सर किडनैप ही होया जी तां किडनैपिंग ही कह सकदे आ जे देखो मतलब मेन जलंधर दे जिहड़े थाने हैगे सी आई ए 1-2 जलंधर शहरी दिहाती सारे जिहड़े आले दुआले थाने सारिआं तों पता कर लिया जी मतलब लै दे के जे कोई उहने कोई वारदात कीती हुंदी हालांकि तो इदा का नहीं है जे मान लो कि उन्हें कोई वारदात की होंगी आने चक के थाने ले जाना लेकिन साड़ा बंदा सानू मिल ही नहीं रहा जी इस संबंध8 घंटे मतलब जो भी ऑफिशियली है भी 24 घंटे एक गल हो रहा भाजी चोन जापता लगा ठीक है जलंधर चोणा चल रही है जिमनी चोणा लैके जगह जगह नाके लगे कहने किडनैपिंग हो गया तुहानू की लगता है कि पुलिस ने नाके दे चैकिंग नहीं की जाती मैं किसी जे कंप्लेट भी दी तुसी चार बजे की कंप्लेट दी एक्सीडेंट हो गया या कोई मिसहैपनिंग हो गई मान लो आप ऐसा कह दें पुलिस की गड्डी लै गई उन्हें कोई क्राइम किया होगा लैके गई ए नॉर्मल गल आ लेकिन केड़े थाने लैके गई आदि घटो घट पेरेंट्स इनफॉर्म करना तो बनता है मतलब की तुहानू ये कहने की तुसी इनफॉर्म नहीं तुहानू कितों भी कीता गया सानू मतलब सानू तो यही जे तो वह बंदे का क्रिमिनल बैकग्राउंड हो फिर तो असं मनीए भी बंदे साडे नूं पुलिस लैके चके लेकिन वह कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ही नहीं है आह ही करतारपुर थाना पैंदा है कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मुंडा स्टूडेंट है ठीक है तुहाडी जिहड़ी कंप्लेंट इन्हां वल्लों घर दे वल्लों कदों दर्ज कराई गई थाने सर मैं तुहानू दसदा जी आह देखो मैं ना एस एस पी जिहड़ा जलंधर दिहाती है उन्होंने 8:19 की डिटेल सेंड की ठीक है जी एस एस पी साहब वालों एस एस पी साहब वालों भी उ कंप्लेन दे दो सवेर देखते हैं मैं सर यही गल अंदर भी कहना आया पहला भी रिपीट की आ भी जे इन्हों के परिवार के किसी मैंबर के नाल जे कोई साइबर फ्रॉड भी हो जाता ना तो एक दो दिन के रिकवरी कर लेंगे आ जी बेचारी माँ का पुत चार बजे का गैप आ जे उसे कंप्लेट देने जाओ तो वह सुनते नहीं पे वह कहते जी कंप्लेट दे दो सवेर देखते हैं
ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਹੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਾਊਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਆਉਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਣ ਦੇ ਪਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸੰਦ ਆਫ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜੱਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ CIA ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾਇਆ ਇੱਕ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਵਾਏ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਾਲੋ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜੱਲਾ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਫਿਲਹਾਲ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਹਾਵ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।